हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे। आज का वीडियो में मैं आप लोगों का एक स्पेशल वेलकम करती हूँ। आज हम लोग अपने घर पे सत्यनारायण जी की कथा करने वाले हैं। अंशुल का आज बर्थडे है। आप लोगों ने इतनी सारी विशेस हम लोगों के लिए भेजी, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई रियली वॉन्टेड यू all to be the part of this celebration. ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अब year end है, हमने पता है बहुत plans किए थे कि हम, जैसे हमारे घर पे ना सत्यनारायण जी की कथा की जाती है जब नया बच्चा घर में आता है, तो हमने बहुत plan किया था कि जब मम्मी पापा आएंगे, मेरा birthday पड़ेगा, उस time पे हम पूजा रख लेंगे। But COVID की वजह से वो लोग नहीं आ पाए, और उन दिनों हम लोग अपना घर का बच्चों के कामों में इतना overwhelmed थे कि हम कुछ अकेले कर नहीं पाए। फिर सोचा था जब केशु 6 months का होगा तब कर लेंगे, तब भी नहीं हुआ। फिर हम लोग कैलिफोर्निया जाने का प्लान हो गया था तो नहीं कर पाए। फाइनली आज हमने सोचा कि अब इस साल ये पूजा कर लेते हैं। अंशुल का बर्थडे भी है, अच्छा दिन है, और बच्चों के साथ घर में पूजा करने वाले हैं। एंड यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। इस पूरे साल मुझे ना आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला है, जैसे जैसे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते गए हैं। कहते ना दिल से दिल का कनेक्शन। जब मेरा बेबी हो रहा था, मम्मा नहीं आ पा रही थी, मैं एक वीडियो में, मुझे याद है, मैं बाहर बैठी थी बैकयार्ड में और वीडियो बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उस वीडियो को देख के मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि प्रिया तुम्हें रोते हुए देख के हमें भी रोना आ गया। और जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, अंशुल का यही कहना था कि यार जब भी मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, जब भी मैं यूट्यूब वीडियोस खोल रहा हूँ, कमेंट्स में सब तुम्हारे बारे में और बेबी के बारे में पूछ रहे हैं। इतने सारे लोगों ने कंसर्न शो किया, प्यार शो किया। इट हैज बीन अ वंडरफुल ईयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत प्यार बरसाया है। आई एम सॉरी दोस्तों, जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैंने उस पार्ट को एडिट कर दिया। आई डोंट नो वाई यार, जब भी मैं अपना डिलीवरी वाला टाइम सोचती हूँ ना, याद करती हूँ, तो मुझे एकदम से रोना आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी मम्मा को मिस करती हूँ। आई विश वो टाइम ऐसा होता कि मम्मी आ पाती और मैं जो उनका केयर मुझे मिलना चाहिए था वो मिल पाता। बट या अब बहुत मिस होता है। बट चलो कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग के साथ। तो आज मैं लंच के लिए स्पेशल पास्ता बनाने वाली हूँ। तो ये कलरफुल सेमोलिना पास्ता मैं टीजे मैक्स गई थी, वहाँ से मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं। और आज मैं बेक पास्ता नहीं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेजीज को बहुत फाइन सा चॉप किया है। ऑलिव ऑयल में मैं जिंजर गार्लिक और हेलोपिनोज को अच्छे से पहले सौते कर लूँगी। उसके बाद कैरेट्स एंड अनियन को डाल के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और इनको अच्छे से कुक करूँगी। जब तक वो कुक हो रहे हैं, मैं यहाँ पे चिंग्स का एक मिक्सचर बना लेती हूँ, चिंग्स सॉसेस का। तो मैंने थोड़ा सा सोया सॉस लिया है, उसके अंदर रेड चिली सॉस ऐड करूँगी एंड ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी। ये सारी सॉसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मैंने बस 1 टीस्पून के करीब लिया है। अब मैं इसके अंदर मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। ऐसा ही ना एक पास्ता मसाला भी अब मिल जाता है इंडियन स्टोर पे, मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास वो हो ना तो आप वो ऐड करिएगा पास्ता में। और फिर मैंने इसमें जो अभी सॉसेस बना के रखी थी वो ऐड कर दी। इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दी थी, कैप्सिकम भी कुक हो चुकी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड सॉस और वाइट सॉस। मैं कुछ पिंक पास्ता बना रही हूँ, मिक्सचर बना रही हूँ, तो इसमें मैंने अल्फ्रेडो सॉस भी ऐड कर दी। अराउंड 6 टीस्पून ऐड की थी दोनों सॉसेस की मैंने। उसके बाद मैं सारे इटालियन हर्ब्स ऐड कर रही हूँ, लाइक पार्सले, इटालियन सीजनिंग और ऑरेगानो एंड स्टफ़। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना एक ऑप्शनल स्टेप रखा था कि मैं इसके अंदर सोयाबीन भी ऐड कर दूं, तो सोयाबीन मैंने बॉईल करके ऐड कर दी। 2 चम्मच हैवी क्रीम ऐड की है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। पास्ता ऐड कर दिया और एकदम देसी फ्राई करने के लिए मैंने इसके अंदर धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया। और बस अब एक बार मिक्स कर दूंगी। पास्ता कम्प्लीटली रेडी है, 10-15 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से मैं इसमें अमूल चीज़ ऐड कर रही हूँ। ट्रस्ट मी यार, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम देसी देसी टेस्ट आपको पास्ता का लगेगा एंड बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है। मैंने गैस ऑफ कर दिया था, पास्ता हल्का सा जब चीज़ मेल्ट हो गया था उसके बाद प्लेट्स में सर्व कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर रही हूँ। और ये मेरी फैमिली का फेवरेट फूड होता है, गो टू फूड होता है। सबसे अच्छा तो पास्ता गोविंद को लगता है, उससे पूछो क्या स्पेशल खाना है तो उसको पास्ता ही याद आता है, तो हमें लगता है कि चलो पास्ता ही बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलती हूँ आफ्टरनून रादर इवनिंग की क्लिप में। तो अभी हम अपने घर पे आज सत्यनारायण का पाठ करने वाले हैं, तो आई रियली वॉन्ट यू टू जॉइन अस इन द सेलिब्रेशन। कल मैं इंडियन स्टोर से ना ये मैंगो लीव्स एंड मैंगो की लकड़ियाँ लेकर आ गई थी। हवन इससे करा जाता है ना, तो बहुत शुभ माना जाता है। और अभी अंशुल यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम लोग किचन में चलते हैं। मुझे मिल्क मावा केक बनाना है और साथ में प्रसाद भी रेडी करना है।
मैंने गोविंद के बर्थडे पे भी बनाया था मिल्क मावा केक, तो आप सब रेसिपी पूछ रहे थे, तो चलिए आज डिटेल में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरे पास मिल्क मावा पाउडर रखा है, दीप ब्रांड का है, आपको ईजिली इंडियन स्टोर पर मिल जाएगा। मैंने पैन को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैं 2 कप मिल्क मावा डाल रही हूँ और 1 कप मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी। अब बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी जिससे कि कोई भी लम्स ना पड़े, एकदम गैस को धीरे रखिएगा। उसके बाद मैंने ना बादाम को अच्छे से पीस लिया था, बादाम का पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैंने सैफरन एसेंस ऐड किया, आप चाहो तो सैफरन स्ट्रैंड्स भी ऐड कर सकते हो। और मैंने इसके अंदर 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। आपको अगर कोकोनट फ्लेवर नहीं पसंद तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, एकदम आपका मिल्क मावा केक ही बनेगा, बट मुझे कोकोनट फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर दिया था। और आप देखोगे जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये पैन में चिपकना बंद हो जाएगा और एकदम इकट्ठा सा होने लग जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑल कुक्ड। उसके बाद मैंने इसके अंदर जैगरी पाउडर ऐड कर दिया, आप चाहो तो चीनी ऐड कर लीजिएगा। और मेरा जैगरी पाउडर ना थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर का था, इसीलिए ये केक थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया। आप चीनी ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये वाइट से ही कलर का बनेगा। और जब एकदम से कुक हो गया, पैन छोड़ दिया इसने, तब मैंने इसको डिश आउट कर लिया एक प्लेट में, अच्छे से इसको मैं स्प्रेड कर लूंगी। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, बस ड्राई फ्रूट्स की अच्छी सी इसके ऊपर लेयरिंग कर दूंगी। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स की कोई डेकोरेशन भी कर सकते हो, बट बस मैंने तो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए थे। ये केक बहुत टेस्टी लगता है और अंशिल का फेवरेट है, तो उनके बर्थडे पे तो मुझे ये केक बनाना ही बनाना था। और अब ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहो तो चांदी का वरक लगा सकते हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि चांदी का वरक नहीं लगाते हैं मिठाइयों पे जो पूजा में रखते हैं, बट यार मैंने तो हमेशा देखा है कि काजू कतली वगैरह पे लगाया जाता है, वो पूजा में भी यूज़ होती है, तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये हमारा केक रेडी हो गया। और जब तक मैं केक की डेकोरेशन कर रही थी, तब तक मैं पंजीरी भी साथ साथ भून रही थी, क्योंकि पूजा करनी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं केक डेकोरेशन में लग गई और पंजीरी मेरी थोड़ी ज़्यादा भुन गई। तो ऐसा भी हो जाता है किचन में काम करते करते कुछ कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो ही जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे डिश आउट कर लिया है। जब ये ठंडा हो गया, इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी मिक्स कर दी है और मैंने थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, वो मैं मिक्स कर दूंगी और छोटा सा एक तुलसी का पत्ता डाल दूंगी। तो ये मेरी पंजीरी रेडी हो गई है आज की सत्यनारायण कथा की पूजा के लिए। और मैंने साइड में चरणामृत, जो पंचामृत बोलते हैं, वो भी बना के रख लिया है। तो ये पूजा की सारी तैयारी हो गई है यहाँ पे। सो बाहर भी पूजा की सारी तैयारी कर दी है अंशुल ने, बस अब हम बैठ के अपनी सत्यनारायण की कथा करेंगे चारों मिलके। थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन बची है बस वो करनी है, और स्मोक अलार्म हम लोग अपने घर का बंद कर देते हैं, क्योंकि हवन वगैरह करो ना तो थोड़ा बहुत धुआं हो जाता है और यहाँ पे स्मोक अलार्म बज बज के परेशान कर देता है, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया जाता है जब भी कोई घर में पूजा होती है, हवन वगैरह होता है। तो प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमी शांत तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अंशुल को ना ऐसे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और आज तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। केशु की फर्स्ट पूजा भी हो गई घर में और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। आई रियली वॉन्टेड यू ऑल टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एंड आई एम ग्लैड कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पाई। दिस ईयर यू ऑल हैव शावर्ड अस विद सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड लव, थैंक यू सो मच, होल हार्टेडली थैंक यू सो मच। With this year end, I am really, really thankful कि हम अपनी community को grow कर पाए और आप सब इस channel के साथ जुड़े।
थैंक यू सो मच. और अगर आपको ये वाली वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको ये केक रेसिपी पसंद आई है तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा. बहुत क्विक है, जल्दी से बन जाता है एंड आई एम श्योर जिसको इंडियन स्वीट्स पसंद है उसको ये केक ज़रूर पसंद आएगा. ऑनेस्टली बताऊँ हमारे घर में ये केक 2 दिन भी नहीं चला, हम बैठे बैठे आधा केक फिनिश कर गए थे और उसके बाद थोड़ा सा केक मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया. बस उसके बाद फिर हमने ना यहाँ से जो हवन कुंड था वो हटा दिया बिकॉज बच्चे यहीं पे खेल रहे थे तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो गरम को टच वगैरह ना कर ले. और फिर अब आते हैं किचन में बिकॉज आज पूजा हुई है तो कुछ अच्छा सा खाना बनाऊंगी मैं. मैंने सोचा आज आलू की सब्जी और पूड़ी बनाते हैं तो मैंने थोड़ी बहुत प्रेपरेशन पहले ही कर ली थी. बस अब आलू की सब्जी तो क्विकली बन जाएगी कुकर में. आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी और आटा वगैरह भी गूंद के रख दिया है, पूरियाँ बना लूंगी. चलिए आपको एक टास्क देते हैं, अब ये साल खत्म होने वाला है तो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको इस चैनल पे इन वीडियोस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है और आने वाले साल में आप और किस टाइप की वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहेंगे. और जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे कमिंग 2022 में, इन जनरल आप लोगों के क्या ट्रैवल प्लान्स हैं या फिर क्या आप प्लान कर रहे हैं 2022 में स्पेशल करने का, वो सब गपशप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा. जो मेरे साथ होगा डेफिनेटली वो तो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर करूंगी ही करूंगी. और ये देखिए बातें करते करते हमारा बर्थडे स्पेशल थाली बनके रेडी हो गई है. सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के अपना डिनर किया. तो कुछ ऐसा रहा हमारा दिन. आई एम ग्लैड कि हमारे घर में बहुत अच्छे से पूजा हो गई, हम चारों ने बहुत अच्छे से बर्थडे इंजॉय किया, पूजा इंजॉय किया एंड आई एम ग्लैड आई मेड You a big part of this celebration. Thank you so much. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. इट कॉस्ट यू नथिंग बट सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिएगा बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है. तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.